गेम ऑफ थ्रोन्स के सिक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि HBO डेवलप कर रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और स्पिन ऑफ प्रिक्वल सीरीज टेल्स ऑफ डंक एंड एग, जो कि बेस्ड है जॉर्ज आर मार्टिन के नॉवल पर। इस सीरीज में हमें डंक के एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे। टेल्स ऑफ डंक एंड एग बेस्ड होगा डंक सर डंकन द टॉल और एग किंग एगॉन टारगेरियन पर, और इस सीरीज का इवेंट सेट होगा अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर इवेंट के 90 ईयर्स पहले। डिज्नी प्लस ने अपने फरवरी टाइटल्स को अनाउंस कर दिया है, जिसमें हमें मार्वल के नए डॉक्यूमेंट्री स्पेशल के बारे में मालूम चला। इस डॉक्यूमेंट्री स्पेशल को 12 फरवरी को डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया जाएगा। आप इस सीरीज में मार्वल के सुपर हीरोज और विलेन के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। डिज्नी प्लस की बात हुई है तो आपको बता दें कि वांडा विजन के अब तक 3 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं। मार्वल की ये सीरीज अब तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और हमें इस सीरीज में बहुत सारे ईस्टर एग देखने को भी मिले। हमने वांडा विजन के एपिसोड 1 और 2 के ईस्टर एग के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज में मोनिका रैम्बियो का कैरेक्टर भी है, और अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि वांडा विजन सीरीज में मोनिका रैम्बियो के कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाएगी कि कैप्टन मार्वल फिल्म के इवेंट के बाद मोनिका रैम्बियो के साथ क्या हुआ। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का रिलीज डेट इस साल मार्च में शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी तक इस फिल्म का कोई भी ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अब लेजेंडरी ने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का फर्स्ट ट्रेलर कंफर्म कर दिया है, जिसे इस संडे रिलीज किया जाएगा। साथ ही गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का एक ट्रेलर टीजर और एक पोस्टर रिवील किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 के कुछ सेट फोटोज सामने आए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही ये रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन 3 के सेट पर चार्ली कॉक्स को देखा गया है, तो हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन 3 में डेयर डेविल भी देखने को मिले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्रिस इवांस यानी कि कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। इवांस अपना रोल कंटिन्यू कर सकते हैं सैम विल्सन के कैरेक्टर फाल्कन के मेंटर बनकर। इस हफ्ते क्रिस हेम्सवर्थ ने ये कंफर्म कर दिया है कि थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग इस हफ्ते स्टार्ट कर दी जाएगी। क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए ये रिवील किया है। डिज्नी प्लस पर मार्वल की आने वाली सीरीज मून नाइट के विलन के लिए इथन हॉक को कास्ट कर लिया गया है। इस सीरीज में इथन हॉक किस विलन का रोल प्ले करेंगे अभी इसे रिवील नहीं किया गया है। नेटफ्लिक्स ने इस हफ्ते बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले ब्रिजर्टन के सीजन 2 को अनाउंस कर दिया है। ब्रिजर्टन का सीजन 1 काफी सक्सेसफुल रहा, और इसी को देखते हुए इस सीरीज के सेकंड सीजन को अनाउंस कर दिया गया है। सोनी पिक्चर्स की एनिमेटेड फिल्म द मिचेल्स वर्सेस द मशीन को नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है, और जल्द ही इसे इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। स्काई डांस मीडिया की अपकमिंग फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन को नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है। हार्ट ऑफ स्टोन एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हमें गैल गैडोट लीड रोल में दिखेंगी। बीबीसी ने पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 6 को अनाउंस कर दिया है, और पीकी ब्लाइंडर्स का ये सीजन फाइनल सीजन होगा इस सीरीज का। साथ ही बीबीसी ने ये भी अनाउंस किया कि हमें पीकी ब्लाइंडर्स के स्पिन ऑफ शोज भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा TNT ने स्नो पियर्सर के सीजन 3 को अनाउंस कर दिया है। तो ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।